मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हर किसी की अपनी एक अपना ग्रुप होता है, चाहे दोस्ती का ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, और मैं उसको ग्रुप नहीं मैं गैंग मानता हूँ, क्योंकि सारे ग्रुप जो होते हैं वो नॉटी ग्रुप होते हैं। तो ये फिल्म जो है वो आज के ज़माने के हिसाब से और आज के दोस्ती यारी के और सोशल मीडिया के ज़माने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। नॉटी गैंग हर बंदा देखना चाहेगा, जिसका अपना गैंग है वो पूरे गैंग को लेके जाएगा और अपनी नॉटी गैंग को फिल्म नॉटी गैंग दिखाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नोटी आप ही हैं इस गैंग में। नोटी गैंग का हमने जो ट्रेलर देखा और म्यूज़िक देखा, बहुत ही खूबसूरत लगा और बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, और नोटी गैंग बहुत ही अच्छी पिक्चर है और ये खूब हिंदुस्तान में नाम करेगी, खूब चलेगी। डायरेक्टर को और इसके सभी अभिनेताओं को, इसमें जितने कलाकारों ने काम किया है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सुनील पाल जी, नॉटी गैंग वो होती है जो गैंग हार्ड ड्रिंक लेता है, चाय नहीं पीता है, सिर्फ हार्ड ड्रिंक लेता है, इसलिए कहते हैं उसे नो टी गैंग। अरे ये क्या है, साथ में चलो, एक ही तो रह गए, उनको भी ले लो साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर देख के पता चल गया कि हम लोगों की मेहनत थोड़ी सक्सेस हुई है, एंड मूवी मिलने की बात है जहाँ तक, वही जो प्रोसेस होता है मुझे पता चला था कैसे फिल्म होनी है, सर से कॉन्टैक्ट हुआ था, एंड कॉन्टैक्ट करते करते ही सलेक्शन हुआ, दो तीन राउंड्स हुए थे और उसके अकॉर्डिंग फिर सलेक्शन हुआ, और सर को लगा कि शायद मैं इस कैरेक्टर में फिट हूँ। और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हर एक एक्टर चाहता है डबल रोल एक किसी भी मूवी में करना, सो मेरा एक ड्रीम था, सो आज फाइनली पूरा हो चुका है, जिसमें मैं सीता गीता काइंड ऑफ कैरेक्टर कर रही हूँ। इट्स डिफरेंट, नॉट काइंड ऑफ सीता गीता, बट वैसा सा है, और सुपर एक्साइटमेंट है उसको लेकर। हम सबको, मुझे नहीं, हम सबको ही बहुत खुशी है, और मेरा रोल पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, एंड आई एम लाइक अ लेडी डॉन इन द मूवी, सो मैं इन सबको रूल करती हूँ मूवी में, सो या दैट्स माय कैरेक्टर। मैं राजा प्रेम, बहुत सवाल में सुनी है, और होता है कि जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी चाहते हैं, गलत काम भी करते हैं, लेकिन फाइनली आपको सही ट्रैक पे आना पड़ता है किसी भी हालत में। तो इसमें एक मैसेज दिया गया जिसमें हम लोगों ने एक नॉटी, तो हम सब लोग हैं ही, तो गैंग बन गई, तो नॉटी गैंग बन गई है मिलकर साहब, तो कमाल की फिल्म है, आप लोग सब देखें सर, बहुत अच्छे पास हैं जी। बहुत सारे नोटी काम किए हैं सर, तभी तो ये नोटी काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। बहुत सारी झलक आई है इसमें सर, जैसे मैं हम लोग वहाँ पे स्विमिंग पूल में नहाया करते थे, तो हम लोग, हमें पता नहीं था कि किसी को तैरना नहीं आता है, एक दो लोग ऐसे थे, तो हमने धक्के मार मार के उनको डाल दिया उसके अंदर, और बाद में पता चला कि एक्टर कम हो जाएंगे भाई, उनको बाहर निकाल लिया जाए, तो ये वहाँ पे नोटिंग चीज़ें हुई है। नहीं एक्चुअली शूट्स में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बट जहाँ जहाँ हम लोगों ने शूट किया है गोवा मुंबई गांव में, तो वहाँ के लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छे से हमें शूट करने दिया है, काम करने दिया है, और विदाउट ऑडियंस विदाउट पब्लिक तो हम वैसे ही कुछ नहीं है, और काफ़ी एक्साइटमेंट था काम करते वक्त भी, तो जो मुश्किलें थी वो हमने नेगलेक्ट करके हम काम करते रहे। सर बहुत स्वीट है, लेकिन जब काम का टाइम आता है तो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं। नहीं एक्चुअली सर की आंखों से पता चल जाता है कि तुम लोग की बदमाशी बहुत हो गई है, नाउ गो टू वर्क। हाँ, तो हम लोग खुद समझ जाते थे, तो हमें डांट नहीं खानी पड़ी। हम लोग डांट खाते थे, लेकिन बिना डांट खाए भी बाहर निकल आते थे। क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, ये फिल्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, और आपकी जो नॉटी गैंग उनके साथ क्या हुआ, एक्सपीरियंस कैसा?
जी मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और जैसा मैंने सोचा था कि जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी उसके अकॉर्डिंग सभी आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत हम लोगों ने की है, तो एक बहुत अच्छी फिल्म बन के आई है। नीट एंड क्लीन कॉमेडी है, इसमें कहीं कोई वल्गैरिटी नहीं है और यूथ के लिए एक मैसेज भी है कि आप शॉर्टकट से आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। ड्रीम होता है कि हम शॉर्टकट से बहुत बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड में जाके आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ नहीं, मेरे रिलेशंस भी मेरे हाथ से निकल गए हैं, मेरे हाथ में आज कुछ नहीं है, ठीक है मैंने पैसा अर्न कर लिया है। तो वो एक सोशल मैसेज है कि वो कॉमिक, आपको मालूम है कि कॉमिक के अगर माध्यम से हम कहते हैं तो बहुत जल्दी लोग कैच करते हैं। तो ये क्लियर मैसेज है इसमें कि आप अपनी मेहनत से जो भी करें उसको पूरा कॉमेडी में किया है हमने और सभी करेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया है। रितु, मुझे एक कॉमेडी मूवी है जो मुझे बहुत पसंद है, नीट एंड क्लीन मूवी है, आप फैमिली के साथ जाके थिएटर पे देख सकते हो। आजकल हर कोई जो है टेंशन बहुत ज़्यादा है हर किसी को, तो आप दो घंटे या दो घंटा दस मिनट की जो मूवी है उसमें आप टेंशन रिलीज कर सकते हो। दूसरा एक इसमें यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, वो मुझे बहुत पसंद आया, दैट्स व्हाई मैं इसकी प्रोड्यूसर बनी। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा रितु जैन के बारे में, प्रोड्यूसर जो है ये अभी आपके सामने है लेकिन ये देख नहीं पाती हैं और ये बहुत मेडिकल फील्ड में थी। अब बताओ रितु अपने बारे में थोड़ा सा, ये बताओ। माई सेल्फ रितु, आई जस्ट बिलोंग फ्रॉम दिल्ली और मेरी जो क्वालिफिकेशन है मैंने BMS किया है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक इन मेडिकल साइंस, बट ड्यूरिंग स्टडी टाइम जो है मुझे प्रॉब्लम हो गई रेटिना पिगमेंटोसा और जैसे जैसे वो कंप्लीट हुआ उसके बाद सडनली मतलब मुझे पता चला कि आई कांट सी, तो एकदम से तो मैं डिप्रेस्ड हो गई क्योंकि मेरी लाइफ के बहुत सारे गोल्स थे जो मुझे अचीव करने थे, बट उस टाइम तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। बट उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, लाइफ में स्टैंड करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत दिन तक सोचती रही, कुछ टाइम की लगा क्या करूँ, फिर उसके बाद दिमाग में आया कि नहीं सिंगिंग करनी चाहिए, जो मेरा बचपन का शौक था जो स्टडीज़ की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह गया था, तो गॉड भी शायद चाहते थे कि मैं वो प्रोफेशन दोबारा से एक्सेप्ट करूँ और उसमें कुछ करूँ, तो सिंगिंग। फिर उसके बाद मुझे लगा फिर एक मूवी के रिगार्डिंग मैं सोच रही थी ऐसे ही, तो तभी उस बीच में अंकल ने मुझे मोटिवेट किया, बात हुई इनसे तो इन्होंने बताया, तो तभी नॉटी गैंग की और इस तरह से फिल्म ये स्टार्ट हो गई। नहीं मैं खुद कोई नहीं गाया, मैंने अभी इस मूवी में कोई सॉन्ग नहीं गाया अभी। इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है बल्लू और हम तीन दोस्त हैं। बल्लू एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब बचपन से ही उसका सपना होता है कि मैं बड़ा आदमी बनूँ और स्टार्टिंग से ही वो ऐसे गलत काम करते हैं, गांव में भी गलत करती है, हेरा फेरी करते हैं, तो उसके बाद गांव में किसी हेरा फेरी की वजह से उनको गांव से बाहर भी जाना पड़ता है, भाग जाते हैं वो गाँव छोड़कर, फिर आगे निकलते हैं लोगों में, लोगों के साथ वैसी हरकतें करते हैं, पुलिस के डर से भागते भागते वो थेरेपी सेंटर में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे एक गैंग होती है जो मुकेश जी के हैं, वो डॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, तो वहाँ पे भी उनकी गैंग होती है, एक हमारी गैंग होती है पहले से, एक लड़कियों की गैंग होती है, तो सभी लोग मतलब उस थेरेपी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे सब चलता रहता है, बहुत हंसी मजाक होती है बीच में, लेकिन लास्ट में इसका यही हम सबको सीखने को मिलता है कि शॉर्टकट से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, हमें थोड़े दिन के लिए हमें सब कुछ मिल सकता है लेकिन उसके पीछे हमारा परिवार, हमारे जो हर खुशी है वो हमसे दूर हो जाती है। इस फिल्म से हमको भी और सभी को ये शिक्षा मिलेगी कि शॉर्टकट से कोई भी काम करेंगे तो उससे हमें सफलता नहीं मिल सकती, बस यही स्टोरी है और सर ने बहुत अच्छा लिखा है। नहीं इसमें पूरा एंटरटेनमेंट है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी जाके देखे, फुल एंटरटेनमेंट है ये, सबको कनेक्ट करेगी ये फिल्म, बच्चे देखेंगे तो बच्चों को भी कनेक्ट करेगी और बड़े देखेंगे तो उनको भी अपने बचपन की शरारतें याद आएंगी। इसमें बचपन की शरारतें हैं, जैसे आपने देखा अभी गाना है चिक चिक सॉरी, तो बचपन को भी बहुत अच्छे तरीके से जो हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, उसके बाद यूथ के लिए तो है ही पूरा सब्जेक्ट, यूथ का है, डांस है, म्यूज़िक है, और उसके बाद फिर जो मैंने बताया एथिक्स जो इसमें मैसेज है उससे पूरा फैमिली आप जाके देख सकते हैं, तो इसमें कहीं कोई वल्गैरिटी नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन कॉमेडी है। सभी से यही कहना चाहूँगा कि आज हमारी फिल्म नोटी गैंग 31 मई को रिलीज हो रही है,
आप जरूर थिएटर में जाके देखिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। आप जिसके साथ जाके देखिए उसके साथ देखिए, क्योंकि फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, सबको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फिल्म को जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच वीरू जी। उधर देखो साढ़े 300 से 400 थिएटर प्लानिंग है मेरी 31 मई को, और इंशाल्लाह सब अच्छे थिएटर ऑल इंडिया एक साथ एक ही दिन फर्स्ट शो, इंशाल्लाह कोशिश से पिक्चर फुल जाए। फिल्म बहुत अच्छी है, फील भी बहुत अच्छी है, सारे ए क्लास सेंटर हैं इंक्लूडिंग मल्टीप्लेक्सेस नॉन मल्टीप्लेक्सेस, बट 350 से 400 थिएटर आराम से पिक्चर लग रही है मेरी। बहुत ज़्यादा फुकरे की याद आ गई। थैंक यू।